पवन सिंह का एल्बम सॉन्ग आके 13 दिन हो चुका है और नवरात्रि आने में भी मुझे लग रहा है कि 12 से 13 दिन बाकी है। इस बीच में अकॉर्डिंग टू पवन भैया एक एल्बम सॉन्ग रिलीज हो सकता है, उनका मूड करे तो और ना करे तो पता नहीं क्या होगा। वैसे गानों की कमी नहीं है, कई सारे गाने सूट करके रखे जा चुके हैं, अब उनकी आवाज़ में डब तो नहीं हुए होंगे क्योंकि कोई भी गाना वो अपनी आवाज़ में डबिंग या रिकॉर्डिंग तभी करते हैं जब उस गाने को रिलीज करना होता है। अब 13 दिन एल्बम सॉन्ग रिलीज होके हो चुका है, फैंस बेचारे बेचैन हैं, क्या करें, उम्मीद कहाँ से करें, और कमेंट भी करेंगे तो हम जैसे यूट्यूबर्स के वीडियो के नीचे वो कर ही क्या सकते हैं। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि टीम तक हमारी बात पहुँचे, लेकिन ये टीम के दो गोलू मोलू मेंबर भैया, ये गोलू मोलू भैया लोग जो मैनेजर है ना, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि ये जब भी पवन सिंह के टीम से जुड़ते हैं तो पवन सिंह के लाइफ में क्या चलता है वो कुछ पता नहीं चलता। भले प्रोफेशनल लाइफ में पवन सिंह हिट होते हैं, लेकिन इनकी पूरी ज़िंदगी की जो नैया है ना वो डगमगा जाती है। ये आज से 2023-22 से पहले भी हुआ था और फिर चालू हो चुका है। ये लोग तो इतने महान मैनेजर है गोलू मोलू भैया कि इनका मतलब, अरे आप जब कुछ पोस्ट नहीं करेंगे, आप जब कुछ चीज़ें शेयर नहीं करेंगे, हम लोगों को आप लोग बताएंगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा। आप एक सेलिब्रिटी के मैनेजर हैं तो समझना चाहिए कि जो उनके फैंस हैं वो बेचैन रहते हैं जानने के लिए कि कब क्या नया प्रोजेक्ट आ रहा है, क्या हो रहा है, कब कौन सा गाना आ रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें कुछ भी क्लियर नहीं रहता है। एक दीपक सिंह थे भाई, क्या गजब के मैनेजर थे, दोस्त तो है ही, वो आज भी पवन सिंह के दोस्त हैं, लेकिन गजब का मैनेजमेंट था। अब बताइए कि देवी गीत शूटिंग हो रहा है, अभी 12-13 दिन नवरात्रि में टाइम है, एक एल्बम सॉन्ग छोड़ना चाहिए, तो पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। देवी गीत भी रिलीज होगा तो देखिएगा, नवरात्रि जिस दिन स्टार्ट होगा या उसके अगले दिन ही छूटने वाला है, उससे पहले आपको नहीं सुनने को मिलेगा। सबकी डिमांड है कि देवी सॉन्ग में विनय बिहारी, अरुण बिहारी जैसे राइटर्स, मनोज मतलबी जैसे राइटर्स का लिरिक्स आना चाहिए, म्यूजिक में बदलाव होना चाहिए, फीमेल सिंगर में बदलाव होना चाहिए, लेकिन वो भी ये लोग सुनने वाले नहीं हैं मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि हाल ही का मैंने 8-10 दिन पहले का एक इंटरव्यू देखा विनय बिहारी जी का, तो उसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें अभी तक तो कोई खबर नहीं है गाने से रिलेटेड, देवी गीत से रिलेटेड। तो ये हाल है इन लोगों का, ये जानबूझ के अपना जो स्टारडम का एक दुश्मन होता है आदमी, वो है ये। तो खैर, मैं सोच रही थी 2-3 दिनों से कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं कि अब तो आप लोग के गाने एक एल्बम सॉन्ग जरूर छोड़िए, क्योंकि हो गया 13-14 दिन हो गया ना, महीने में दो भी गाने नहीं देंगे तो क्या देंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।